वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक के बारे में जिसकी इफिशियंसी, एक्यूरेसी और फास्ट रिजल्ट के वजह से इसे यूज किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ HPLC के बारे में, जिसे हम सब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसके नाम से ही कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और इसके डायग्राम देखकर परेशान हो जाते हैं, पर आपको घबराना नहीं है। मैंने आपके लिए लाई है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की HPLC की डायग्राम, और इस यूनिक डायग्राम की मदद से हम HPLC का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, इसका प्रिंसिपल स्टडी करेंगे और ये इतनी फास्टली डिटेक्ट कैसे करती है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा HPLC यानी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो भी हाई प्रेशर के अंदर। स्टूडेंट HPLC को डिजाइन किया गया था 1960s में। HPLC के पहले लिक्विड या कॉलम क्रोमेटोग्राफी का बहुत चलन था, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आप सब जानते हैं कि एक कॉलम के अंदर ग्रेविटी की मदद से सेपरेशन होता है। और क्रोमेटोग्राफी का आप प्रिंसिपल जानते ही है स्टूडेंट, कि हमारे पास कोई एक मिक्सचर है और मिक्सचर में से हमें एक कंपोनेंट डिटेक्ट करना है, तो हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक। और क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में कई टाइप्स होते हैं, और आज की सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्ट डिटेक्शन टेक्निक है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है स्टूडेंट, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक हाई प्रेशर पंप इन्वॉल्व होता है। कि कोई भी क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है। तो यहाँ पर जो मोबाइल फेज है स्टूडेंट, वो हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हमारा मोबाइल फेज है, और जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो कॉलम के अंदर के ग्रैन्यूल्स है। तो स्टूडेंट कॉलम, ये जो आप देख रहे हैं HPLC कॉलम, वो हमारा स्टेशनरी फेज है, और स्टेशनरी फेज यहाँ पर बदलता रहता है क्योंकि हमें जो मॉलिक्यूल डिटेक्ट करने हैं, जो कंपोनेंट डिटेक्ट करने हैं, उसके हिसाब से हम इसे डिजाइन करते रहते हैं। यहाँ पर ग्रैनुल्स होते हैं, सिलिका होते हैं, और ये पूरी तरह से स्टील या ग्लास का बना होता है। तो स्टूडेंट्स देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं HPLC का प्रोसेस। हमने इसका प्रिंसिपल तो देख लिया कि हम एक मिक्सचर में से कंपोनेंट, एक सिंगल कंपोनेंट को सेपरेट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट HPLC का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर मोबाइल फेज हमारा सॉल्वेंट है और यहाँ पर स्टेशनरी फेज है स्टूडेंट। तो स्टेशनरी फेज कॉलम के अंदर होता है, और ये पंप देख रहे हैं स्टूडेंट आप, ये तो आप सोच रहे होंगे ये पंप का क्या काम है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, लिक्विड क्रोमेटी के अंदर ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं, यहाँ पर कोई कैपिलरी एक्शन नहीं, कोई पेपर इन्वॉल्व नहीं, तो यहाँ पर किसका रोल होगा? यहाँ पर सबसे मेन रोल होता है हमारे पंप का, जो 40 atm का प्रेशर लगाता है, यानी 40 atmospheric प्रेशर से सॉल्वेंट को सक करता है। और ये इंजेक्टर दो देख रहे हैं स्टूडेंट आप, इंजेक्टर के अंदर से हमारा जो डिटेक्ट करना है हमें मिक्सचर, उसे हम इंजेक्ट करते हैं, यानी टेस्ट सॉल्यूशन को हम इंजेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो टेस्ट सॉल्यूशन यहाँ से इंजेक्ट होता है और जाता है हमारे मोबाइल फेज के अंदर। यानी यहाँ पर मैं इसे मोबाइल फेज इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट हाई प्रेशर यानी 40 atm के प्रेशर से सक हुआ है। यहाँ से सक्शन, इतने हाई प्रेशर से ये सक होने की वजह से ये मिक्स हो जाता है हमारे मिक्सचर के अंदर, यानी हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसके साथ। और फिर इतने हाई प्रेशर से, यानी यही प्रेशर से ये जाता है HPLC कॉलम के अंदर, इसलिए इसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्योंकि इतने हाई प्रेशर से जब ये गुजरेगा, तो स्टूडेंट इतने हाई प्रेशर से जब ये गुजरता है हमारे कॉलम के स्टेशनरी फेस के अंदर, वहां पर सेपरेशन होता है। जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो नहीं चाहिए वो स्टिक हो जाते हैं, उन्हें हमें बाद में निकालते आता है। तो स्टूडेंट हाई प्रेशर से जब ये हमारे कॉलम में घुसता है स्टेशनरी फेस के, वहां पर सेपरेशन होता है, और फिर यही आगे बढ़ता है ये पूरा प्रोसेस। यहाँ से हमारा जो लिक्विड है, यानी इल्यूएंट कहे जे, हम इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इल्यूएंट यानी इल्यूएंट एक ऐसा शब्द है। इल्यूएंट का मीनिंग है कि पूरे प्रोसेस से हमें जो भी नहीं एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन मिला, हम इसे सॉल्यूशन कहेंगे इल्यूएंट, यानी एक लास्ट में हमें सॉल्यूशन मिलता है, वो जाता है डिटेक्टर के पास। तो स्टूडेंट डिटेक्टर एक मैकेनिकल मशीन है, और आप सोच रहे होंगे कि ये केमिकल कैसे डिटेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉड्स होती है, और जैसे ही ये इल्यूएंट यहाँ पर आता है डिटेक्टर के अंदर,
वो इस सिग्नल को यानी इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरियस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके कई फंक्शंस होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं, और जैसे ही यहाँ पर डिटेक्टर पर डिटेक्ट होता है, हमारे कंप्यूटर पे यानी पीसी पर ये दिखाई देता है, और पीसी पर जो दिखाई देता है वो आता है एक ग्राफ के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आता है? एक ग्राफ के फॉर्म में, स्पाइक्स के फॉर्म में, और उसे कहा जाता है क्रोमेटोग्राम। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? क्रोमेटोग्राम के अंदर एक स्पाइक्स फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? स्पाइक्स। और यहां पर होती है वैल्यूज। क्या होती है स्टूडेंट? वैल्यूज। और इस स्पाइक्स को हम कंपोनेंट के स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और फिर कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा अरे ये तो ये कंपोनेंट है हमारे मिक्सचर के अंदर, और फिर हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप ओडी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारा HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। क्या है? बहुत ही फास्ट प्रोसेस, यानी कि ये मिनटों में हो जाता है, और जो हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, पर ये सबसे फास्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। यानी आपने मुझे सॉल्यूशन ला कर दिया, मैं उसे 2 मिनट के अंदर रन कर आपको बता दूंगा कि ये मिक्सचर के अंदर कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। स्टूडेंट, HPLC को हर जगह यूज किया जाता है, कंपनीज में, फार्मा कंपनीज में, साइंटिस्ट भी इसे यूज करते हैं, स्टूडेंट्स भी अपने टेस्ट के लिए यूज करते हैं, और ये हर जगह पर प्रेजेंट है। और ये हर जगह पर इसलिए प्रेजेंट है स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है, क्विक है, इसकी इफिशियंसी बहुत ही अच्छी है, यानी ये बहुत ही अच्छे से डिटेक्ट करता है, और इसकी एक्यूरेसी स्टूडेंट, एक्यूरेसी में भी ये नंबर 1 है। ये एक्यूरेसी इसकी बहुत ही अच्छी है, इसलिए फास्ट है, इफिशियंट है, और एक्यूरेट है, इसलिए HPLC को हर बार यूज किया जाता है। और ये बहुत ही कॉमन मेथड है, पर थोड़ा बहुत कॉस्टली है, इसलिए इसे ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स ही यूज करते हैं, PhD स्टूडेंट, और नॉर्मल प्रैक्टिकल में हम HPLC देखने नहीं मिलता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हमने देखा मोबाइल फेज है, कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज है, और रन करने पर इसमें डिटेक्टर्स कैसे डिटेक्ट करता है, और हमारा क्रोमेटोग्राम क्या शो करता है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट HPLC के बारे में क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।